जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। यूपी की हथरस से इस समय एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और बहुत ही परेशान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद में एक बहुत ही भयंकर भगदड़ मच गई। कुचलने से 122 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। जान गंवाने वालों में ज्यादातर महिलाओं की बात कही बताई जा रही है। कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ऐसे मृतकों की संख्या और बढ़ भी सकती है। हादसा हथरस जिले से करीब 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ है। हादसे के बाद में अस्पतालों में हालात बहुत ज्यादा डराने वाले बन चुके हैं। जो मृत्यु के बाद लोग वहां पहुंचे हैं उनके मतलब क्या बताएं, मतलब घायलों को बस और टेम्पो से भरकर सिकंदरा राव CHC और एटा जिला अस्पताल भी भेजा गया है। CHC के बाहर भी जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। मीडिया के लोग जब वहां पर पहुंचे और डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने तो मौत का कोई सीधा आंकड़ा तक नहीं बता पाए। इसके बाद मीडिया रिपोर्टर इस सिकंदरा राव CHC के बाहर एक एक करके जब उन लोगों ने खुद जो मीडिया में क्लेम किया जा रहा है उन लाशों को गिना तो वहां पर करीब 95 लाशें जमीन पर ही पड़ी हुई थी। एटा के CMO उमेश त्रिपाठी ने बताया कि एटा के जिला अस्पताल में अब तक करीब 27 पहुंच चुके हैं, यानी 122 लोगों की मृत्यु तो मीडिया ने ही कन्फर्म कर दी। हालात ऐसे रहे कि लाशों को उड़ाने के लिए चादर तक नहीं। घायल जमीन पर तड़प रहे हैं। मृतकों के में ज्यादातर हथरस, बदायूं और पश्चिम यूपी के जिलों के लोग हैं। इधर एटा में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही रजनेश, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसका हार्ट अटैक से निधन हो गया। उसके साथ ही उसे डॉक्टर के पास ले गए लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अगर हम हादसे की बात करें तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनकी चरण रज लेने के लिए दौड़ पड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछार फेंकी गई। लोग भागने लगे तभी एक दूसरे पर गिरते हुए कुचलने की नौबत आ गई और इसी से लोग मतलब बहुत बहुत भयावह मंजर है जो ये हुआ है। CM योगी ने अपने मुख्य सचिव मनोज सिंह और DGP प्रशांत कुमार को घटनास्थल के लिए रवाना भी किया है। 2 मंत्रियों को भी मौके पर भेजा है। घटना की जाँच के लिए ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई। DM ने बताया है कि SDM ने कार्यक्रम की अनुमति दी थी। इस बीच यूपी के पूर्व DGP विक्रम सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया और कहा कि मुसीबत के लिए दावतनामा दिया गया था, वहां पर जो इंतजाम होना चाहिए था वो पर्याप्त नहीं थे। एम्बुलेंस व्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए, जो बेसिक पुलिस अग्निमिशन और चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए थी वो तक नहीं थी। अब इसका जवाब आखिर कौन देगा? ये क्लेम करते हैं कि पहले ये इंटेलिजेंस में थे, सिपाही थे और फिर VRS ले लिया। इनके ऊपर कई मुकदमे लिखे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए था ये जो चमत्कारी बातें करते हैं ये कानूनी दंडनीय अपराध भी है मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंतर्गत, और इस तरीके से पानी पिला के लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, इनके ऊपर भी कई केस है। पूर्व DGP ने कहा कि अब अगर 100 मौतें हो चुकी हैं तो इसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी? बाबा तो वो है, कम से कम उसमें कुछ स्पिरिचुअल कॉन्टेंट तो होना चाहिए। इनके ऊपर 6 अपराध है जिसमें यौन शोषण भी है। काहे बात के बाबा, कौन से बाबा? चलिए मान लीजिए बाबा हैं, बड़े पूजनीय हैं, कम से कम वहां बेसिक पुलिस व्यवस्था, आवागमन के रास्ते और अगर कोई आपदा विपदा होती है तो आपने कोई इमरजेंसी संबंधित व्यवस्था तो होनी चाहिए। यह अत्यधिक चिंता और शोक का विषय है। उन्होंने कहा कि बाबा का आडंबर कोई ओढ़ के आ जाए तो ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण का अवतार है। दुर्भाग्य यही है, जिसके ऊपर 6-7 अपराध हों या शोषण तक के अपराध हों वो अपने को चमत्कारिक बता रहा है। ये इससे कम से कम मैं सहमत नहीं हूं। स्थानीय प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी और अब तो खैर होगी। इतनी ज्यादा संख्या में अगर मौतें हुई हैं तो सवाल उठते हैं कि क्या आवागमन के रास्ते आपने सैनिटाइज भी किए थे, SOP किए थे? क्या धारा 144 CRPC के अंतर्गत वांछित अनुमति ली गई थी? ये समागम के वो कराने में जो पुलिस व्यवस्था होनी थी उसका भुगतान आपने तथाकथित बाबा से क्या करवाया था? जाहिर है एक भी उत्तर का नहीं हो पाएगा। हाँ, में हमने एक तरीके से अपने लिए मुसीबत को दावत दी थी और इतनी सारी मौतें हो गई जिनसे बचा जा सकता था। दरअसल इस हादसे के बाद में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये भोले बाबा है कौन? अधिकतर लोग इन भोले बाबा को जानते भी नहीं। भोले बाबा का असली नाम नारायण हरि और वो एटा के रहने वाले हैं। उनका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। भोले बाबा एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। वो काशीराम नगर में पटियाली गांव में रहने वाले हैं। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करते थे। जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हो गए। उनकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में रही। 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 90 के दशक में VRS ले लिया।
अब अपने गांव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अध्यात्म की तरफ जाने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर साकार विश्वहरी रख लिया। उनकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है। वो किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनते। वे अपने सत्संग में सफेद सूट और सफेद जूतों में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने वो पहुंचते हैं। मतलब सफेद कपड़े जो है उनकी पहचान है। भोले बाबा यूपी के अलावा आसपास के राज्यों में लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अक्सर अपने समागम में कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर वो खिंचकर कैसे आ गए, कौन लाए। नौकरी में वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला ये शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला किया। वे कहते हैं कि मैं खुद नहीं जाता बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पर अलग अलग जगहों पर घूमकर समागम करते हैं। इस समय उनके कई आईएएस आईपीएस अफसर छेले हैं। अक्सर उनके समागम में राजनेता और अफसर भी पहुंचते हैं। शादी अभी कराई जाती है। दरअसल सबसे बड़ी बात तो यह कि भोले बाबा खुद जाटव हैं। उनके अनुयायी यूपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। SC ST ST और OBC वर्ग में उनकी गहरी पैठ बताई जाती है। कई मुस्लिम जगहों पर भी उनके अनुयायी हैं। उनका YouTube चैनल और Facebook पर पेज भी है। YouTube में 31,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो Facebook पेज पर भी ज़्यादातर लाइक्स नहीं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो बताया जाता है कि उनके लाखों अनुयायी हैं। उनके हर समागम में लाखों की भीड़ उमड़ती है। भोले बाबा की खुद की आर्मी बताई जाती है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश में आने वाले श्रद्धालुओं के पानी भोजन से लेकर पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था भी करते हैं। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहां पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एटा में बहादुर नगर गांव स्थित बाबा के आश्रम में दरबार लगता है। यहां आश्रम के बाहर एक हैंडपंप भी है। दरबार के दौरान इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। मतलब सीधे तौर पर मैं कहूं तो यहां पर अंधविश्वास के अलावा और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। इससे पहले मई 2022 में जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय फरुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर 50,000 से भी ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए थे। यहां उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों की शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा लोग यहां पर जुटे थे। भोले बाबा पर जमीन कब्जाने के भी कई आरोप लगे हैं। कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकार विश्वहरी ग्रुप पर 5 से 7 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जे का भी एक आरोप लगा हुआ है। भोले बाबा का अलग कार्यक्रम, अगला जो कार्यक्रम है वो 4 से 11 जुलाई तक आगरा में था। सैया थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड पर नगला केसरी में तैयारियां भी चल रही थी। इसके पोस्टर भी लग चुके थे। जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम के बारे में अब तक कोई अब अपडेट तो है नहीं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो पूरा का पूरा मामला निकलकर सामने आया है काफी ज्यादा गंभीर है। यहां पर सीधे तौर पर अव्यवस्था की बात की जा रही है। कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो मैंने आपको बताया ही कि बाबा के पीछे लोग भागे और फिर वहां पर भगदड़ एकदम से मच गई। पर सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में इंसान की, आदमी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? पुलिस व्यवस्था के नाम पर जो लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करा रहे थे, क्या उनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर क्या नंबर था? अब ऑब्वियस सी बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो जाएगा कि सरकार की गलती थी, प्रशासन की गलती थी, आयोजकों की गलती थी। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हो गई वो तो ऑब्वियस सी बात है किसी से जवाब नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके परिवार वाले उसी दर्द में जिएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।